पहचान दे, खुददारी को चूम ले, पढ़कर अपनी पहचान बना, स्त्री शक्ति की मिसाल बने। ये मैंने लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, और जो उनका नारी शक्ति कैंपेन बना उसका संगीत मैंने बनाया था। और आप जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 2018 में प्रेसिडेंट ने मुझे फर्स्ट लेडीज अवार्ड दिया फॉर बींग द फर्स्ट female and the youngest Indian musician to ever perform in two of the biggest festivals, Woodstock and Womanhood festival for 400,000 fans. Dosto, mere poojya nana ji Shri Maganlal Tribhuvandas Vyas aur Saroj Ben Vyas, meri nani ji ne bahut samaj ke liye kaam kiya aur striyon ko एक एम्पावरमेंट देने के लिए, सशक्त करने के लिए, तथा अलग अलग स्कूल्स उन्होंने बनाए। करीब 40 स्कूल हिंदुस्तान में ऑल ओवर इंडिया बनाए। चूंकि के वो गुजराती थे तो उन्होंने ज़्यादातर स्कूल गुजरात में बनाए। उसके पश्चात मुंबई में द न्यू एरा स्कूल, जो बहुत ही फेमस स्कूल बना था, यूनेस्को ने उसको अवार्ड दिया था फॉर बींग द 5 टॉप स्कूल्स ऑफ एशिया। नाना जी ने अपने स्कूल में, जो न्यू एरा स्कूल है, एक अलग प्रकार की एजुकेशन उन्होंने बनाई, एक सिस्टम अलग बनाई। शांति निकेतन का जो एक स्टडी का पैटर्न था उसको वो ले आए, और जैसे बच्चे जैक एंड जिल में अप द हिल करके एक नर्सरी राइम्स गाते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम रविंद्र संगीत को लेके अलग हमारे ही भाषा में, मतलब गुजराती हिंदी रीजनल भाषाओं में हम नर्सरी राइम्स बनाएं, ताकि बच्चों को अपनी मातृभाषा और अपनी शास्त्रीय संगीत की नींव बचपन से ही पड़े। उनके ही सिद्धांत, उनके वैल्यूज मेरे माँ बाप से, देवेंद्र पाल और इला पाल से मिले, जो मैंने कोशिश की है। आज जो कला के संघ आपने सुना होगा, जो हम लोगों ने फेस्टिवल, जो मेरी संस्था है सुरसाज और मेरी टीम के साथ में, मैंने 27 कलाकारों को जोड़ के 4 दिवसीय ऑनलाइन फेस्टिवल किया। वो एक फंड रेजर था कि कोविड के समय जो जो कलाकार जिनको कोई कहीं से आमदनी नहीं हुई है, उनके लिए मैं हम लोगों ने फंड रेज किया है। और आज हम करीब 150-200 और म्यूजिशियंस के पास में उनको राशन दे रहे हैं, और उनको मॉनेटरी हेल्प सहायता भी दे रहे हैं। मैं मेरे पूज्य नाना जी पद्मश्री एमटी व्यास स्मृति संस्कृति सेवा पुरस्कार की आज घोषणा करती हूँ, जो उन बालिकाओं के लिए है जो बिलो 25 इयर्स की उम्र की हैं, पढ़ रही हैं, अच्छी तरह से समाज की सेवा में भी लगी है, संगीत की सेवा भी कर रही हैं, सीख रही हैं। उन सब को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप मेरे वेबसाइट www.anuradhapal.com पे जाकर वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें, आज ही अप्लाई करें। ये मुझे एप्लीकेशंस 8 अक्टूबर के पहले मिल जाएं, और 9 तारीख को इसकी घोषणा होगी हु इज़ द विनर, और 11 तारीख को हम, चूंकि के कोरोना के समय में हम मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए यह ऑनलाइन समारोह आयोजित होगा, और द विनर विल बी गिवन ये अवार्ड। जरूर लिखें। नमस्कार।